नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, और जैसा कि आप जानते हैं ये है टीवी 9 भारतवर्ष का चुनावी कार्यक्रम पब्लिक पोल। और पब्लिक पोल में आज हम मौजूद हैं मुंबई उत्तर पश्चिम, सही बोला ना? मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं हम। और यहाँ हमारे साथ, यहाँ पर देखिए, ये मलाड ईस्ट का इलाका है, मलाड ईस्ट, जहाँ की जनता यहाँ हमारे साथ मौजूद है, दलों के समर्थक मौजूद हैं, और साथ ही देखिए अलग अलग दलों के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका परिचय भी कराएंगे, और साथ ही मुंबई उत्तर पश्चिम और मलाड ईस्ट के बड़े मुद्दे क्या हैं, महाराष्ट्र के बड़े मुद्दे क्या हैं, किन किन विषयों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, और जनता किस किस पर विचार कर रही है। एक एक करके तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि मलाड ईस्ट की जनता, मुंबई उत्तर पश्चिम की जनता आखिर इस चुनाव में किसके पक्ष में जाती नजर आ रही है, उनका मूड क्या है। मूड भांपेंगे पब्लिक का। सीधे शुरुआत करेंगे अपने पब्लिक पोल के बहस की, चुनावी बहस है, सीधे हम जनता के बीच जाते हैं। आज हम मुंबई में हैं, मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के मलाड ईस्ट में हैं। तो यहां पर देखिए हमारे साथ जनता भी मौजूद है, और यहां के स्थानीय नेता और अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता भी मौजूद है। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, एक दूसरे का अभिनंदन स्वागत करें। और हमारे साथ देखिए बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद मिश्रा, स्वागत है आपका। और हमारे साथ देखिए उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की तरफ से आनंद दुबे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। उसके अलावा मनीष तिवारी हैं एनसीपी शरद पवार की तरफ से, और विकास पांडे हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग दलों के ये सभी प्रवक्ता अपना अपना पक्ष तो रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा जनता का पक्ष क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं। और आपको बताते चले कि उत्तर पश्चिम मुंबई से रविंद्र वायकर हैं मैदान में, जो कि एनडीए महायुति के उम्मीदवार हैं, और शिंदे गुट की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ सीधा मुकाबला उनका अमोल कीर्तिकर से है, जो कि उद्धव ठाकरे गुट से हैं। तो ये देखिए अपने आप में जो दो उम्मीदवारी है, यही कांटे की टक्कर है। ये कांटे की टक्कर इस बार कैसी लग रही है? अभी तो हम बयानों के तीर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ मलाड में तो ऐसा लग रहा है कि एक ही धड़े के दो हिस्से आपस में आमने सामने। कांटे की टक्कर है ही नहीं, हमारा उम्मीदवार जीत रहा है, महाविकास आघाड़ी का अमोल कीर्तिकर। इतना विश्वास है? पूरा विश्वास है। कुछ तो कारण बताइए, क्या है, क्या वजह, इतना कॉन्फिडेंस? वजह यही है, वजह इसमें यही है कि जो दो हिस्सा किया है, जो असली शिवसेना है, जो ठाकरे को मानने वाले लोग है, वो अमोल को वोट करेंगे। और बहु असली शिवसेना, असली शिवसेना, नकली शिवसेना, ये क्या चल रहा है? असली से उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, उद्धव साहब की असली शिवसेना है। शिंदे साहब कह रहे हैं हमारी गद्दार है, जनता बताएगी 4 तारीख असली शिवसेना नकली, शिंदे साहब की नकली शिवसेना है। वो कह रहे हैं बाला साहब के विचारों के साथ हम खड़े हैं, छीना गया है वो, नकली है शिंदे साहब। पार्टी क्या, परिवार की है? पार्टी नहीं, परिवार का नहीं है, पार्टी पार्टी ही परिवार है। ये कह रहे हैं असली शिवसेना नकली शिवसेना, हाँ क्या कह रहे थे, बोलिए। हाँ बोलिए, हम 43 वार्ड के अध्यक्ष है यहाँ के, तो बताइए ना क्या। ये हमारे नगर सेवक है यहाँ के, हमारे संजय नगर, सपना सोसाइटी, आनंद सोसाइटी, जय अम्बे। ये बताइए तुतारी बजेगी कि नहीं बजेगी? तुतारी बजेगी, बज रही है, जोर से बज रही है, जोर से बजेगी है। और इन्होंने हमारे कहाँ तक जाएगी तुतारी की आवाज, यहाँ से मलाड से कहाँ तक जाएगी? कहीं रुक जाएगी, जाएगी, रुक जाएगी। आपके बार 400 पार मोदी सरकार, 400 पार। अभी आपने सुना नहीं, शायद आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं कि नकली शिवसेना और असली शिवसेना में टक्कर है यहाँ। उद्धव की असली शिंदे की असली है, शिंदे की असली है। आप क्या कहना चाहेंगे? की बात 400 पार। हमने अलग अलग बातें सुन ली, देखिए कोई कह रहा है 400 पार, और कोई कह रहा है कि तुतारी यहाँ से पूरे महाराष्ट्र तक बजेगी। तो जरा हम सवाल ये उठा लेते हैं, आप तो बीजेपी की तरफ से हैं, और देखिए शिंदे गुट के प्रत्याशी यहाँ से मैदान में हैं, बात हो रही है असली नकली की, बात हो रही है बाला साहब के विरासत की। सवाल यही है कि विरासत किसके पास, और क्या जनता यहाँ की, मलाड की जनता, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की जनता इसी विषय पे वोट डालेगी कि कौन असली है या नकली है, या फिर मुद्दे कुछ और होंगे, सड़क, बिजली, पानी, विकास, शिक्षा, देश का विकास, देश की सुरक्षा, ये मुद्दे होंगे क्या? एक तो पहला सवाल है कि असली, नकली और विरासत। मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई डाउट नहीं है, आज बाला साहब की
जो प्रॉपर्टी है उसकी अगर विरासत का अगर कोई असली हकदार है तो उद्धव जी आदित्य ठाकरे जी है। लेकिन 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 जो सही मायने में बाला साहब के विचारों का हिंदू हृदय सम्राट के जो विचार थे, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस से दूर रहने की बात की थी, और उन्होंने उस कांग्रेस जिस कांग्रेस ने 1956 में तो ये तो पहली बार हो रहा है 1956 तो पहली बार के महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का परिवार कांग्रेस के लिए वोट डालेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि कैसे ये अलग है। 1956 में मुंबई कर 105 मुंबई कर के ऊपर गोली चलवाने वाला अगर कोई थी तो कांग्रेस की सरकार थी। मुंबई को केंद्र शासित करने का निर्णय देने वाली कांग्रेस थी, नेहरू जी थी। लेकिन उस विचारधारा को कांग्रेस से दूर जाने का काम एकनाथ शिंदे जी किए थे। तो वैचारिक अगर उद्धव जी बाला साहब ठाकरे बिल्कुल। और देखिए, आप सबको मैं बता दूं कि कल ही मेरी एकनाथ शिंदे जी से बात हुई है और TV9 को इंटरव्यू देते हुए मुझसे बात करते हुए मैंने ये सवाल किया एकनाथ शिंदे जी से, तो उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस से लड़ते रहे उसी कांग्रेस के साथ जाके बैठ गए, उसी के इशारों पर चल रहे। और उद्धव ठाकरे का परिवार क्या इस बार कांग्रेस को वोट डालेगा? वो कांग्रेस जिसकी आलोचना करते रहे, जिसके खिलाफ लड़ते रहे बीजेपी के साथ में, ये हो क्या गया? रवि मिश्रा जी, सबसे पहले आपका और आपकी पूरी TV9 भारतवर्ष का मुंबई की इस पावन धरती पर हम स्वागत करते हैं। देखिए, ऐसा है कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने देश को सबसे पहले रखा, देशभक्ति को सबसे पहले रखा। जब आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल चुनाव लड़ रही थी राष्ट्रपति का, आप सबको पता है कांग्रेस की तरफ से थी, उन्होंने दिल खोलकर साथ दिया। जब आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो यही मातोश्री और यही बाला साहब ठाकरे जी ने, बाला साहब ठाकरे के फैसले पर किसी ने सवाल उठाया है? मुझे तो नहीं लगता है। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर बाला साहब ठाकरे जी कांग्रेस पार्टी को समय समय पे समर्थन देते थे तो उन्हीं की विचारधारा आदरणीय उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी जब लेकर चल रहे हैं तब इनको मिर्ची क्यों लग रही है? रवि भाई, पहली बात। दूसरी बात, यह लड़ाई कोई असली और नकली पर नहीं है। यह लड़ाई है अधर्म के विरुद्ध धर्म लड़ रहा है, अन्याय के विरुद्ध न्याय लड़ रहा है, असत्य के विरुद्ध सत्य लड़ रहा है। इनके पास तो कैंडिडेट तक नहीं थे, हमारे ही कैंडिडेट पर दबाव बनाकर और उसको अपने पास लिया है। जिस पार्टी के पास अपना स्वयं का ना नाम हो, ना चेहरा हो, ना कैंडिडेट हो, वो हमसे मुकाबला करने आए। चलिए ठीक है, तो एक सवाल